भाई ये कुल्टी कारखाना, कुल्टी स्टेशन से गाइस ये बढ़ा करके और जा रही है और सीधा वो दिल्ली को कूच करेगी। तो गाइस देख सकते हैं शक्तिपुंज ट्रेन कुल्टी स्टेशन में आ चुकी है। जबलपुर हावड़ा एक्सप्रेस, शक्तिपुंज एक्सप्रेस। ट्रेन कदम करीब हो गई है, इस हालत में देखिए क्रॉस कर रहे हैं, जबकि ये क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। वही जो जो पुलिस से इंचार्ज है, जो यहाँ के जीआरपी है, वो समझा रहे हैं कि इस तरह से नहीं आना चाहिए। अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं, चाय पानी थोड़ा पी गए भाई, रांची के लिए चले गए हैं, थोड़ा लेट हो गया था तो चले गए छोड़ने नहीं सकते। खाना खा लेते हैं। प्याज दे देगा और कुछ, और कुछ है क्या, और बड़ा में कुछ गोल में बड़ा में नहीं है, ठीक रहे ठीक है शायद खाना खाते हैं उसके बाद, खाना खाने के बाद। पापड़, पापड़ नहीं है, मछली रोहू पीस, ये पीस जो है ये भाई के दुकान से ही आती है। आराम मिला, बहुत भूख लगी थी तो वीडियो में बनेगा गाइस। अभी मैं कुल्टी कारखाना के ठीक सामने खड़ा हूँ, आप ये देख सकते हैं लाइट कास्टिंग डिपार्टमेंट जो ईस्ट जो हुई थी 1881 में, एक्चुअल में ब्लास्ट फार्निस का जो कारखाना थी कुल्टी में, एशिया में पहली और इंडिया में तो पहली थी,
वो स्थापित की गई थी कुलटी में, तो वो 1870 में स्थापित की गई थी। और स्टील आयरन की जो कंपनी थी उसकी नींव रखी गई थी जर्मनी के रुवेन कुलटी, जिनके नाम पर कुलटी को जानते हैं हम लोग। कुलटी एक्चुअल में विधानसभा क्षेत्र है और ये आसनसोल कॉरपोरेशन के अंडर में आती है। कुलटी विधानसभा क्षेत्र में बड़ाकर, नियामतपुर, दिसड़गढ़ और मनबरिया, बलतोड़िया और उसके अलावा बहुत से एरिया आती है। इसमें करीब करीब 2022 के जनगणना के अनुसार इसमें 4.5 लाख आबादी है गाइस। तो आप देख सकते हैं ये जो कारखाना है ये पूरी तरह से अभी बंद है और अभी फ़िलहाल ये सेल के अधीन हो चुकी है। आप देख सकते हैं मैं अभी जो एरिया दिखा रहा हूँ ये अभी पीछे का हिस्सा है, मैं आगे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस देखिए ये कुलटी कारखाना का पीछे का हिस्सा है, आप देख सकते हैं बंद हो जाने से काफ़ी जर्जर हालत में है। पहले यहाँ पर काफ़ी रौनक हुआ करती थी जब ये कारखाना चालू थी, तो अभी फ़िलहाल कुछ हिस्सा अभी चालू है और कुछ प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पर। थैंक यू। तो अभी तो फ़िलहाल इसके बहुत से जो पहले के जो पुराने स्टाइल से जो पद्धति थी उस हिसाब से आयरन की प्रोडक्शन होती थी। अभी न्यू टेक्नोलॉजी है, अभी नए जो मशीनरी है वो उस हिसाब से आयरन की जो प्रोडक्शन है वो होती है। तो गाइस अभी सेल के अंडर में पूरी तरह से अधीन है कुलटी और आपको मैं और भी पार्ट्स या कुलटी का बहुत सा हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो बने रहे आप मेरे वीडियो में। एक्चुअल में ये इसके बगल में धोबिया ग्राउंड है, क्रिकेट यहाँ खेली जाती है, काफ़ी प्लेयर यहाँ से उठे हैं। और मैं जिधर से आया हूँ ये झनकपुरा रास्ता से आया हूँ और अभी फिलहाल मैं आपको केंदुआ बाज़ार जा रहा हूँ। जब ये कारखाना चालू हुई थी 1870 में, तो उस टाइम जितने भी डेवलप कंट्री थी उस कंट्री के पास भी इस तरह के आयरन स्टील मान स्टील की जो कारखाना थी वो उनके पास भी नहीं थी। तो आप सब समझ सकते थे कि उस टाइम में कितनी वैल्यू थी इसके, और जिसके वजह से कुलटी पहले गांव एरिया थी, एक्चुअल में गांव एरिया थी गाइस। तो अभी ये कस्बा के रूप में ले लिए, काफ़ी जनसंख्या बढ़ गई है और इसका क्षेत्र काफ़ी फैल गई है गाइस। और रामनगर जो है, रामनगर भी इसी कुलटी विधानसभा क्षेत्र के एरिया में आती है, काफ़ी बड़ी एरिया है गाइस। गाइस अब मैं सीधा केंदुआ बाज़ार पहुंचने वाला हूं। आप देख सकते हैं ये देखिए रेलवे लाइन है, ये जो है आसनसोल की तरफ जा रही है, ये आसनसोल तरफ जा रही है और ये जो है ये रेलवे लाइन सीधा बढ़ाकर स्टॉपिज होगी और ये लाइन सीधा दिल्ली की ओर चली जाती है, दिल्ली मुंबई जहां आप जाएंगे पंजाब। तो ये आपका कोड लाइन है जो धनबाद गया होते हुए बना मुगलसराय होते हुए जाती है। तो गाइस अभी मैं कुलटी के स्टार चैम्बर के पास हूँ और नज़दीक में स्टेशन है कुलटी स्टेशन। तो गाइस मेरी मोबाइल लॉक हो गई थी और ऐसा लॉक हो गई कि मेरे खुल ही नहीं रही थी, तो दुकान सब बंद होने के कारण एक भाई थे वो दुकान में खोल दिए, तो जिसके कारण से 12 नंबर के जो एरिया था किस तरह से कोयला सप्लाई होती थी कारखाना में, मैं वो दिखाना चाह रहा था। तो गाइस फिर वहाँ से शूट करने के बाद ऐड कर दूँगा, ठीक है गाइस वीडियो में बने रहे। तो गाइस मैं एकदम स्टेशन के करीब आ गया हूँ, आप देख सकते हैं ये एक्चुअल में पतियाना और स्टार चैम्बर का रास्ता है और ये कुलटी जो है क्योंकि एक्चुअल में इस एरिया में आपका स्टेशन से जो ये उत्तर के जो भाग है ये काफ़ी बड़ी एरिया है, इसमें लाल बाज़ार है, पतियाना है, शाही मोहल्ला है, नीचू ग्राम है, काफ़ी बड़ी एरिया है गाइस। और 12 नंबर 6 नंबर इस तरह से डिवाइड की हुई है और स्टेशन के उधर जो है मेला लगी हुई है, मैं मेला का भी आपको व्यूज़ दिखाऊंगा गाइस। और उधर जीटी रोड है, उधर से ही पास होती है गाइस। लेंगे गुरु, सब लेंगे, सब लेंगे, तुम लोगों का प्यार रहेगा तो सब होगा।
दर्शक लोग का प्यार रहेगा, ऑडियंस का प्यार रहेगा, तो GoPro भी ले लेंगे, आईफोन भी ले लेंगे, सब ले लेंगे। अभी फ़िलहाल मेरे पास जो भी है मैं उसी से शूट कर रहा हूँ ना। मैं एकदम स्टेशन के करीब हूँ। देखिए ये स्टेशन है कुल्टी स्टेशन, और ये ठीक इधर देख रहे हैं आप, ये कुल्टी कारखाना है जिसके बारे में मैं बता रहा था कि 1870 में स्टार्ट हुई थी, और यही कारखाना है। देखिए दूर से व्यूज़ देख लीजिए, ये कुल्टी कारखाना के ठीक करीब ये रास्ता जो गई है, लाल बाज़ार, पतियाना और 6 नंबर 12 नंबर इस तरह का पतियाना मोहल्ला, शाही मोहल्ला, बहुत तरह का मोहल्ला है, ये बहुत बड़ी एरिया है। और यही रास्ता से आपको डाबर मोड़, चितरंजन और माइथन जाने वाला रास्ता भी है शायद। तो फ़िलहाल देखिए बैरिकेडिंग लग गई है और कोई ट्रेन आने वाली है। तो गाइस देखिए बैरिकेडिंग लग गई है, कोई ट्रेन आने वाली है, चाहे अप या डाउन कहीं से भी आने वाली है। गाइस देखिए मैं करीब कुल्टी कारखाने के ठीक करीब पहुंच चुका हूं, और मेरे पीछे ठीक आप देख सकते हैं कुल्टी कारखाना काफ़ी बड़ी है, और इसी कुल्टी कारखाना के वजह से कुल्टी काफ़ी बड़ी एक शहर का रूप ले लिया है, जिसमें से बड़ाकर, तीसरगढ़, नियामतपुर, रामनगर, मनबड़िया, बलतोड़िया, और इधर जो आपका पतियाना जितना भी ये एरिया देख रहे हैं, केंद्र बाज़ार, ये बहुत बड़ी एरिया है, बड़ी मार्केट भी है, और यहाँ पे एक कोल माइंस भी है जहाँ से कोयला सप्लाई होती थी ये इस कारखाना में। अभी फ़िलहाल कोयला जो माइंस है बंद हो गई है। तो गाइस कोई ट्रेन आने वाली है, देख लीजिए बैरिकेडिंग लगी हुई है, और ये मालगाड़ी या पैसेंजर गाड़ी हो सकती है, दूर से दिख नहीं रही है। देखिए ट्रेन एकदम करीब हो गई है, इस हालत में देखिए क्रॉस कर रहे हैं, जबकि ये क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। वही जो जो पुलिस इंचार्ज है, जो यहाँ के GRP है, वो समझा रहे हैं कि इस तरह से नहीं आना चाहिए। चालू होने वाली है, तो चालू हो गई है। गई ये कुल्टी कारखाना, कुल्टी स्टेशन से गाइस ये बड़ाकर की ओर जा रही है, और सीधा वो दिल्ली को कूच करेगी। तो गाइस देख सकते हैं शक्तिपुंज ट्रेन कुल्टी स्टेशन में आ चुकी है। जबलपुर हावड़ा एक्सप्रेस, शक्तिपुंज एक्सप्रेस,
गाड़ी पे स्टॉपिज है गाइस यहाँ पर, और उसके बाद पढ़ाकर और ये जबलपुर को जाती है गाइस। तो गाइस ये स्टेशन के बाहर में देखिए ये घोड़ा गाड़ी अभी भी चलती है, बहुत पुराना ये मोड है एक ट्रांसपोर्ट का, उल्टी में ये काफ़ी पुराना, ये अभी भी देखिए चल रही है 2023 में भी, ये काफ़ी पुराना ये ट्रांसपोर्ट का ये है। इसके जगह मैं टोटो ले लिए, लेकिन देखिए अभी भी लोग घोड़ा गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं।